अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 62। और आज के इस लेसन में हम डायमेंशनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशन तो हमने इससे पहले भी की थी, लेकिन आज के इस लेसन में हमने पैरामेट्रिक्स डायमेंशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पैरामेट्रिक डायमेंशन को किस तरह आप मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ऑटो कैट को ओपन करूंगा और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये भी जो डायमेंशनल है, जो पैरामेट्रिक डायमेंशनल है, ये अलग से डायमेंशनल होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैरामेट्रिक्स के ऊपर आप पैरामेट्रिक्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए पैरामेट्रिक्स होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ये भी जो डायमेंशनल के जो पैरामेट्रिक्स के ऑपर जो हम डायमेंशनल को यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑटोकैड 2015 में एक न्यू फीचर्स है जो कि इससे पहले वाले वर्जन्स में नहीं था। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओके, अब डायमेंशन के लिए मैं यहाँ से, आप देखें तो आप यहाँ से पैरेलल की डायमेंशन लेना चाह रहे हैं तो आप एल इंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल इंटर करता हूँ मैं एक, एंटर किया। अब इन दोनों को आपस में पैरेलल करना चाह रहा हूँ तो मैं पैरेलल पे क्लिक करता हूँ। इसको और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पैरेलल हो गया। अब इन दोनों की डायमेंशन लेनी है तो आप यहाँ पे देखें, लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकेंड पे क्लिक करके मूव करें तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखें डायमेंशन बता दिए इसने, देख सकते हैं। अब ये डायमेंशन आप इसको मूव करें, यहाँ से सेट पे मूव करें तो ये आपको यहाँ पे इसने डायमेंशन बता दिया जिसका स्केल साइज बहुत कम है। तो साइज बढ़ाना चाहे तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने लाइन ही इतनी बड़ी लिया कि जिसका साइज ज्यादा हो गया। तो मैं देखता हूँ डिम स्केल यहाँ पे अप्लाई करता है कि नहीं। डिम स्केल एंटर, और यहाँ पे इसको मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ इसको कन्वर्ट पे ये काम करता है या नहीं। नहीं, तो डिम स्केल को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और दोबारा मैं डिम स्केल देता हूँ। अब कन्वर्ट का फंक्शन ये कि आपकी ये डायमेंशन जो है ये चेंज नहीं होगी इसमें। मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, मैं दोबारा देता हूँ डायमेंशन। दोबारा देने से पहले डिम स्केल का साइज बढ़ाता हूँ 2 इंच, एंटर करता हूँ और अब मैं यहाँ से डायमेंशन देता हूँ इसको, लीनियर है। लीनियर मीन आपकी लीनियर जो है ये हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों के लिए यूज की जाती है, देख सकते हैं। और यहाँ पे साइज कम है इसका तो इसके लिए डिम स्केल, साइज मैं इसको देता हूँ 3 फिट, और होम में जाता हूँ या फिर एनवेट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपडेट करता हूँ डायमेंशन को। ओके, तो अपडेट होगी डायमेंशन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक्स पे डिस्कस करता हूँ। अब ये डायमेंशन मेरे पास आ गई। अब इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है, मैं एल एंटर करता हूँ, एक लाइन यहाँ से ये वाली और एक लाइन और एल एंटर करता हूँ ये वाली, और इनके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। एक लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ जो हॉरिजेंटल, ओके, एक को मैं करता हूँ वर्टिकल, ओके। अब इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों की डायमेंशन चेक करना हो, चेक करनी है तो आपने यहाँ पे देखें लीनियर में हॉरिजेंटल की डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं, और वर्टिकल की डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो वर्टिकल की डायमेंशन भी आप यहां से चेक करें, ओके। उसके बाद सर्कल आप लेते हैं, डायमीटर आपने चेक करना है तो आप सर्कल के लिए डायमीटर चेक करेंगे। सी एंटर करता हूं मैं, इनको डिलीट कर देता हूं अब यहां से मैं, या फिर ये भी ये यूज होंगे। सी एंटर करता हूं मैं, सी एंटर किया और एक और सी एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट।
अब इनके डायमीटर एंड रेडियस चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट का डायमीटर आपको देखें बता रहे, सॉरी रेडियस पहले बता रहे, फिर डायमीटर आपने चेक करना है, तो डायमीटर के लिए डायमीटर पे क्लिक करें और इसका मैं डायमीटर बार बार का देखना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं डायमीटर बता दे इसने, रेडियस और डायमीटर बता देगा। एंगल चेक करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप एंगल चेक कर सकते हैं। तो एंगल के लिए मैं एल एंटर करता हूँ, दूसरा एल एंटर करता हूँ और मैं इसके लिए यहाँ पे कॉन्सिडेंट पे क्लिक करता हूँ, इसको और इसको आपस में जोड़ता हूँ। अब इन दोनों के बीच का एंगल मैंने चेक करना है, तो एंगल के लिए आप यहाँ से एंगल पे क्लिक करें, एंगुलर पे क्लिक करें और यहाँ से आप क्लिक करें, तो आपके पास एंगल भी दे दिया इसने जी, देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे जो कि आपको यहाँ पे डायमेंशन के लिए दिए गए थे, जो कि आपके पैरामेट्रिक्स डायमेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा आप शो या हाइड करना चाहें तो आप यहाँ पे देखें शो एंड हाइड पे क्लिक करें, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ एंगल को। क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, कह रहा है शो करना है हाइड करना, तो हाइड के लिए एच एंटर करता हूँ। देखिए वो हाइड हो जाएगा यहाँ पे, और हाइड अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसको मैंने क्या किया हुआ, यहाँ से इन सारी सारी डायमेंशन को मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ से ये हाइड कर लेगा। शो ऑल करते हैं तो सारे सारे शो रहेंगे, हाइड ऑल करते हैं तो सारे के सारे यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड ऑल क्यों नहीं हो रहे। हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनिमेशन के मोड में मैंने क्या हुआ, इसे डायनामिक मोड में अपने रखना है, डायनामिक मोड में मैंने रखा है यहाँ पे। और अब मैं इसको हाइड ऑल करता हूँ, तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शो ऑल एंड हाइड ऑल, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो लॉक का फंक्शन है यहाँ पे, ये जो हमारे पास डायमेंशन में कन्वर्ट का फंक्शन है, ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि जब आप, मैं फॉर एग्जांपल इस पर डबल क्लिक करता हूँ और अब मैं डायमेंशन की चेंज करना चाह रहा हूँ, लॉक किया हुआ है, डबल क्लिक करता हूँ डायमेंशन में, डबल क्लिक किया मैंने और अब मैं इसको देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एंगल 180 का एंगल देना चाह रहा हूँ, तो मैं एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एंगल भी चेंज हो गया और 180 में हमारे पास ये भी ड्रॉ हो गया। इसे सर्कल रेडियस आपने चेंज करना है, आप यहाँ पे रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। इसकी मैं लेंथ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी लेंथ के लिए डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और 21 फिट है तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 फिट करना चाह रहा हूँ और 2 इंच करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए सर साइज छोटा हो गया और ये 5 फिट 2 इंच हमारे पास यहाँ पे आ गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिलीट कॉन्स्टेंट है। डिलीट कॉन्स्टेंट का फंक्शन ये कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं जहाँ तक ये लिखा हुआ है, तो सारे के सारे को डिलीट करना चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पैरामेट्रिक्स जो हमारे पास पैरामीटर मैनेजर है, इस पर क्लिक करें तो इसमें आपको हर चीज़ का एंगल बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एंगल जो है आपका कितना है, D1 डिस्टेंस कितना है, D2 कितना है, डायमीटर कितना है और रेडियस कितना है, हर चीज़ यहाँ पर बता रहा है। और आप इसको भी यहाँ पर आप चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करें, 180 की जगह मैं इसको 90 करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास दोबारा 90 हो गया होगा। अब जो हमारे पास 5 फिट का ये जो एरिया है, इसको भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें 20 करना चाह रहा हूँ दोबारा, तो मैं 20 फिट करके एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास 20, सॉरी मैंने डबल वो किया, तो मैं इसको यहाँ से 20 फिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये 20 फिट हो गया। तो ये आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अपनी जगह पर वापस हाइड हो जाएगा। और डिलीट कॉन्स्टेंट का फंक्शन है कि इसके डायमेंशन सारे के सारे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप डिलीट कॉन्स्टेंट पे क्लिक करें, कॉन्स्टेंट पे क्लिक करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक वो सारे सारे डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक सब कुछ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, देखें सारे के सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए वहाँ पर, इसकी डायमेंशन सारी की सारी डिलीट हो गए। इसको भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और सारे के सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, तो ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो
तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पैरामेट्रिक्स जिसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी पैरामेट्रिक्स के ऊपर, कि पैरामेट्रिक क्या क्या होता है और इस पे काम कैसे किया जाता है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।